नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा के ग्राम पांती में रविवार को किसान पंचायत आयोजित की गई, जहां सैकड़ों की तादाद में जिले भर से पहुंचे किसान नेता शामिल हुए। किसान नेताओं ने किसान पंचायत से 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत के लिए भी कूच करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के आयोजन का भी ऐलान किसानों ने किया है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि किसान पंचायत में सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टरों से भाग लेने पहुंचे, जहां किसानों ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान अकेले नहीं हैं, हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद किसान पंचायत की शुरुआत हुई। किसान नेता रामजीत सिंह ने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने हमसे जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आवारा पशु, बिजली कनेक्शन, सिंचाई के लिए पानी की समस्या से भी स्थानीय स्तर के किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित ज्ञापन पत्र कलेक्टर के नाम तहसीलदार गुड़ को सौंपा, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण एक हफ्ते के भीतर कराने की मांग की गई है।